नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई भर्ती की सूचना के साथ एक और नई वीडियो। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो है जो डेयरी विभाग में भर्ती से रिलेटेड है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्तियां होने वाली हैं जिनकी योग्यता भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रहेगी। तो दोस्तों, डेयरी विभाग में अभी तक 80% जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये खबर विस्तृत देखते हैं। डेयरी में कर्मचारियों की भर्ती व दूध का समर्थन मूल्य देने का उठाया मुद्दा। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई ने किया अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आश्वस्त, वाजिब मांगों को किया जाएगा पूरा। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो भी आपकी वाजिब मांग उन सभी को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ आपको बता देते हैं ये विस्तृत रूप से। गोपालन मंत्री जो प्रमोद जैन भाया हैं, उन्होंने अजमेर डेयरी के जो अध्यक्ष हैं रामचंद्र चौधरी, उन्होंने कह दिया कि जो भी आपकी वाजिब मांग है हम उनको पूरा करेंगे और उनके लिए जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, राज्य सरकार के गोपालन और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को आश्वस्त किया है कि डेयरी से संबंधित समस्याओं को जल्दी समाधान किया जाएगा। चौधरी ने गोपालन मंत्री को अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से प्रदेश के विभिन्न दुग्ध उत्पादक संघों MRCDF मुख्यालय में खाली पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए स्वीकृति दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इन्होंने जो RCDF है उसमें मुख्यालय जो खाली पदों की भर्ती जो खाली पद हैं उनके लिए भर्ती के लिए स्वीकृति दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया है। तो इसमें जो अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि 1985 के बाद में दुग्ध संघों और RCDF में भर्ती नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये 1985 के बाद में से आज तक कभी कोई भर्ती नहीं हो पाई है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इन्होंने बताया है कि इस कारण संघों में 20% पद ही बचे हैं, यानी कि 80% पद अब भी यहाँ पर खाली पड़े हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछली सरकार ने भी एक दो बार इसके लिए अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो भर्ती निकाल नहीं सके वो भी, और वैसे ही टल्लम टल्ला हो गई। और इन्होंने एक दो डिमांड और भी रखी थी जो कि हमसे रिलेटेड नहीं, लेकिन आप अपने लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये भर्ती किए हैं। अगर इस पे इन्होंने ये भी दिया है कि हम इसको जल्द ही वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये भर्ती आती है तो आपके लिए एक और अच्छी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक 20% पद ही बचे हैं संघों में, यानी कि 80% पद अब भी खाली पड़े हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये ज्ञापन सौंप दिया है और हम आशा करते हैं जल्दी इस पे कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ये भर्ती निकले। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कांग्रेस जो नई सरकार बनी वो जल्दी इनके लिए भर्ती भी निकालेगी युवा वर्ग को खुश करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।